नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जनपद ललितपुर पुलिस ने महज 24 घंटे में 6 वर्षीय अंश की हत्या का खुलासा कर दिया है, जिसमें पड़ोस की ही एक महिला और उसके पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बताते चलें कि बीती 28 जनवरी 2021 की शाम करीब 6 बजे अंश पुत्र जगत सिंह राजपूत निवासी ग्राम दावनी थाना जाखलोन जिला ललितपुर अपने घर के बाहर खेल रहा था और लापता हो गया था, जिसकी परिजनों द्वारा तलाश की जा रही थी और थाने में भी उसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई थी। लेकिन 29 जनवरी को अंश का शव रक्त रंजित अवस्था में उसके घर से 100 मीटर दूर आलू के एक खेत में मिला था। मौके पर पहुंचे ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने उक्त हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी थीं और इन टीमों ने सराहनीय कार्य करते हुए महज 24 घंटे में हत्या का खुलासा कर दिया है। हत्या के उक्त आरोप में पकड़ी गई अभियुक्ता श्रीमती गुड्डी पत्नी तुलसी राजपूत और अभियुक्ता के पति तुलसी राजपूत पुत्र हमीर राजपूत निवासी ग्राम दावनी थाना जाखलोन जिला ललितपुर ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का इकबाल किया है। गुड्डी ने पुलिस को बताया कि 28 जनवरी 2021 की शाम अंश अपने घर के बाहर पत्थर से खेल रहा था और उसने एक पत्थर फेंका जो गुड्डी को आकर लगा। इस पर वह अंश से नाराज हो गई और उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अंश के सर में दे मारा, जिससे अंश लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ा। इसके बाद इन दोनों पति पत्नी ने अंश को रात भर अपने घर में छुपा कर रखा और सुबह होते ही उसके शव को आलू के खेत में फेंक दिया था। गुड्डी उग्र प्रवृत्ति की महिला बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों ही हत्या आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। ये 28/1 को एक सूचना शाम को प्राप्त हुई थी कि एक छोटा बच्चा 6 उम्र अंश नाम का, वो थाना जाकलोन के दावनी गांव से मिसिंग हो गया था। थाने की जो फोर्स थी वो गांव में पहुंची तत्काल, लोगों से बातचीत भी करी और उनके जो पिता हैं जगत सिंह उनसे तहरीर लेके 363 IPC का एक मुकदमा थाना हाजा में पंजीकृत हुआ था। रात भर की टीमें उस बच्चे को ढूंढती रही बट हमें सक्सेस नहीं मिली उस समय। बट सुबह लगभग 8-9 बजे के आसपास फिर एक सूचना मिली कि उस बच्चे का शव घर से लगभग 100 मीटर के आसपास एक आलू के खेत में मिला है। थाने की फोर्स वहाँ तत्काल पहुँची, सभी अधिकारीगण पहुँचे, वहाँ मुआयना किया गया, हमारी फॉरेंसिक की टीम भी पहुँची, आसपास के घरों को भी तलाशी ली गई तो उसी में पता चला कि जो एक पास में घर है तुलसी और गुड्डी का, वहाँ पे कुछ ब्लड के स्पॉट्स भी मिले हैं और एक ईंट का पत्थर भी मिला था जिसमें ब्लड लगा हुआ था और एक बोरा भी मिला था जिसमें भी ईंट थोड़े ब्लड के निशान थे और एक साड़ी थी महिला की उसमें भी काफ़ी ब्लड के स्टेन्स थे। जब उन दोनों व्यक्तियों को थाने पे लेके गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि शाम के समय में जब वो बच्चा खेल रहा था तो एक पत्थर उस बच्चे ने मारा और महिला के लग गया, उसी के तैश में आके महिला ने एक पत्थर बड़ा सा मारा, उससे उस बच्चे के गहरी चोटें आ गई और फिर उसको इन लोगों ने छिपा दिया रात भर अपने घर में और सुबह जाके आलू के खेत में फेंक दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो एक बड़ा सनसनी केस मामला था, इसका पुलिस ने सफलतापूर्वक अनावरण किया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।